रवि सर, कम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर के बज चुके 4:30 लगभग। तो मैं अभी घर आते समय क्या हुआ, हम गांव से उस गांव से वापस आ रहे थे और एक चढ़ था इतना बड़ा, तो मैं ट्राई कर रहा था कि वो जो स्लोप है वो अपने आप चढ़ जाए, मगर क्या हुआ कि मेरी साइकिल की चेन ही टूट गई। तो लगभग मैं 2 किलोमीटर चल के वापस बाहर आ गया स्टॉप पर, और वहां से बस से आ गया हाईवे से। तो ये देखो, इसमें पैक करके हमने वो चेन था ना वो यहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है, इसलिए अलग अलग तरह के पान वगैरह मिलते हैं। तो ये बड़े पान थे, वो मैंने उसमें डाल दिया है। हम साइकिल लाने के लिए जाएंगे और साइकिल लेकर आएंगे, मगर साइकिल ही यहाँ पर बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि रोड यहाँ की इतनी भी अच्छी नहीं है, तो गाड़ी वगैरह का यूज़ ज़्यादा हम कर नहीं सकते। साइकिल का तो भारी नुकसान हो गया हमारा, तो देखेंगे अभी क्या क्या करते। तो साइकिल तो लेकर आनी है अभी, अभी गाड़ी से जाएंगे और साइकिल लेकर आएंगे और ठीक होती है क्या देखेंगे अभी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं जो बार दोन गेले साइकिल लगाया हमने। देखो इसकी चीन निकल गई पूरी, तो चलो भाई। पिछली बार साइकिल तो लेगा लेकर आए थे, मगर चेन घर में रहेगा तो अभी चेन लगाएंगे, देखते कितना खर्चा आता है। तो ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती है। तो अभी चेन लगा कर हो गया है, तो अभी चलते हैं, अभी कितना होता है हो गया देखते। तो ये एक्चुअली है सुंगातरी मार्केट, लगभग 100+ गाँव का ये बड़ा सबसे बड़ा मार्केट है, लगभग गुहागर से भी बड़ा मार्केट ये है। तो गांव के सभी लोग यहाँ पर ही आते हैं, कोई भी आपको चीज़ वगैरह खरीदनी होगी तो। ये देखो ये सभी प्रकार की दुकानें हैं, तो अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ये ऐसा एरिया है यहाँ का। और यहाँ से लगभग अभी हम 10 मिनट पहुँच जाएंगे। और ये खूबसूरत गाड़ी हार ये देख सकते हो आप, और यहाँ पर भी अपार्टमेंट वगैरह है। 60-70 गाँव में से यहाँ का ही एरिया सबसे अच्छा माना जाता है, ये देखो। तो फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ, साइकिल वगैरह का काम पूरा कंप्लीट कर दिया है, मगर यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है ये देख सकते हो। सुबह बारिश थी और अभी गर्मी बहुत है, तो इसलिए टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसी की थोड़ी दिक्कत है। हाँ मम्मी मम्मी, मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। तो साइकिल बिगड़ने की वजह से हम थोड़ा काम भी नहीं कर पाए आज, तो आज जो बचा काम है वो अभी निपटा दे और रात को मिलते हैं अभी। कोल्हापुर में या मानो पुणे वगैरह में घर घर के आसपास मतलब ऐसा मतलब जगह जगह घर होते हैं, मगर कोकण का मैं अभी घर दिखाता हूँ एक, मतलब ये भी सिटी मतलब जो कोल्हापुर में नागाला पार्क है ऐसा एरिया है, मगर यहाँ पर भी आप देखिए गेट शुरू होता है। और देखो यहाँ इतना ये सब एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये झाड़, और यहाँ से, और फिर यहाँ से थोड़े थोड़े झाड़, यहाँ पर पेरू का झाड़, वाबरा अम्बा, यहाँ पर जो फेमस है वो कोकोनट, और बाकी पीछे भी एरिया बहुत है। मतलब ये देखो यहाँ से इतना एरिया, और मैं जो यहाँ पर हूँ वो इतना एरिया, मतलब लगभग घर के डबल एरिया, यहाँ पर डबल एरिया, वहाँ पर डबल एरिया। ये यहाँ पर ऐसा है गांव में, तो एक घर यहाँ पर होगा तो अगला घर लगभग वहाँ से कम 500-700 मीटर दूर होगा, तो इतने इतने दूर दूर घर है। देखो ये आम का है, ये कोकोनट का। इतना जगह उन्होंने ऐसा ही व्याकरण छोड़ा है। देखो यहाँ पर बाउंड्री झाड़ वगैरह लगाए, इसमें केला वगैरह लगे, इतनी बाउंड्री उनकी। और घर कितना है देखो, यहाँ पर इतना ही छोटा घर है और बाकी का एरिया डबल है उससे ज्यादा। यही है कोकण के लोग घर भी बांधते समय भी
मतलब इतना, मतलब क्या हो, सूटा सूटा बनते हैं कि घूमने की जगह हो जाए इतना। और ये पे तो वो मालक जो है वही रहते हैं। में इसका रूटीन होता है, मतलब हर रोज़ गिरती ही है। मैं भी गांव में जाता हूँ तो तभी भी दिखाई देते, तो लोग ऐसा ही इकट्ठा करके जमा करते हैं और बाद में बिकते हैं उसको। बाकी यहाँ पर अभी कोई फल वगैरह नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल। तो आज तो हमने देख लिया कि सिटी लाइक एरिया में कैसा घर होता है। तो अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि गांव का घर कैसा होता है, वहाँ की पूरा, मतलब गांव के घर बहुत अच्छे हैं, मगर क्या है, वहाँ गांव में मेस वगैरह नहीं मिलती है और बाकी की सुविधा भी नहीं मिलती है। मतलब हमको जो चाहिए वो वहाँ पर गाँव में नहीं मिलता है, इंटरनेट वगैरह। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसा कैसा गांव का घर होता है, वहाँ पर भैंस किधर बांधते हैं वगैरह वगैरह। गांव के भी घर बड़े होते हैं, मगर वही दिक्कत है सिर्फ खाने की, तो इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगा कल वीडियो में कि कैसे कैसे है वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।